नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री ट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, जब महिलाएं जो है प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके साइंस जो हैं, या फिर 3 4 महीने या 5 दिन पहले हाथ में भी दिखने चालू हो जाते हैं। मैं आपको 3 ऐसे साइन बताऊंगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अभी जो है आपकी संतान होने वाली है, आपको मालूम नहीं है कि बच्चे में क्या होगा, बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगा, कि हमारी संतान ख़राब हो जाएगी या हमारी संतान होगी, आपको इस सवालों का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो ये साइन हमारे हाथ में बच्चा होने से 9 महीने 8 महीने 1 साल पहले ही दिखना चालू हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से साइन होते हैं? ठीक है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं हमारे साथ, कोई विशेष अपने प्रोग्राम को शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने हाथ को पढ़वा सकते हैं। तो चलिए, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऐसे ऐसे कौन से 3 निशान हैं? पहले निशान की बात करें, जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो 6 7 महीने पहले उनके हाथ में एक गजब का, जो कह सकते, तेज होता है। जैसे जो हमारा पूरा हाथ है, एक लालिमा होती है। चलिए, वो तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन वाली बात हो गई। अगर मैं रेखा की बात करूँ, तो जो आपकी जीवन रेखा है, ये वाली हमारे जीवन रेखा है, उसके आसपास अगर आपको कोई भी ऐसी छोटी छोटी रेखाएं बनती हुई नज़र आ रही हैं, उस दौरान जब आप प्रेग्नेंट हैं, जब आपका बच्चा होने वाला है, उसके 7 8 महीने पहले आपके हाथ में ऐसे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि आपके हाथ में साथ में जीवन रेखा तो चल रही है, साथ में रेखाएं भी, छोटी छोटी रेखाएं जीवन रेखा के साथ चल रही हैं, तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपके साथ कोई ऐसी चीज़ जुड़ने वाली है जो आपका लाइफ टाइम साथ देगी। वो आपके बच्चे के थ्रू ही हम लेते हैं उसको। ठीक है, ये हमारे जीवन को तो बढ़ाते ही बढ़ाता है, साथ में ऐसे निशान जो है हमारे बच्चे का सुख देते हैं, और ये निशान उस टाइम आते हैं जब व्यक्ति लेडी प्रेग्नेंट होती हैं। तो ये पहला निशान हो गए। दूसरा निशान, जब ये हालात बन रहे हैं, अपने आप गुरु पर्वत को देखें। गुरु पर्वत आपको उठा हुआ नज़र आएगा, ऐसे आप हाथ लगा के देख सकते हैं, महसूस करके देख सकते हैं। अगर आपका गुरु पर्वत उठ गया है उस दौरान, 1 साल या 7 8 महीने के दौरान, और उस पर कोई स्वास्थ्य का निशान बनने का प्रयास हो रहा है, या फिर वो आधा अधूरा ही हो या फिर पूरा ही हो, स्वास्थ्य का निशान अगर गुरु पर्वत पर बनने का प्रयास हो रहा है, तो ऐसे जातक के जीवन में लड़का और लड़की का योग आता है। बहुत सारे चांसेस होते हैं लड़के का, अगर यहाँ पर स्वास्तिक बन रहा है, और ये होता है उसी दौरान। ठीक है, तो ये दूसरा निशान है। ये निशान आपके हाथ में बन रहा है या नहीं बन रहा है, ज़रूर बताइएगा अगर आप इस कंडीशन में हैं। ठीक है, तीसरा निशान, अपने फिंगर्स को देखते हैं हम। अगर आपकी जो है ज़्यादातर जो है आपकी गुरु फिंगर और बुध की फिंगर और आपका अंगूठा, अगर आपका ये फिंगर जो है आपको दिख रहा है कि मोटाई में ज़्यादा ले रहे हैं, और इस पे जो हमारी जो शंख नुमा आकृति होती है, या फिर हम कैसे बहुत गोल से आकृति आपको बनती हुई दिखेगी इन तीनों फिंगर्स पर, अगर उस दौरान 6 7 महीने को दौरान वो खंडित नहीं है, यहाँ पर देखिए, ये तीनों निशान खंडित नहीं है, पूरा सर्कल बना हुआ है, पूरा सर्कल। ठीक है, ऐसा पूरा सर्कल बना हुआ है इन तीनों फिंगर पर, आपके अंगूठे पर, आपके गुरु फिंगर पर, आपकी बुध फिंगर पर, तीनों पर ये निशान बने हुए हैं। शंख की आकृति नहीं, पूरे चक्र की आकृति बनी हुई है, तो आपकी संतान बेबी बॉय होने के चांस रहते हैं, और मतलब संतान आपकी होगी, बेबी बॉय के ज़्यादा चांस होते हैं, बेटा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये 3 निशान हमने देखे हैं। हमारे सेंटर में भी लोग आते हैं, हमसे पूछते हैं, तो हमने गौर की है बात कि प्रेगनेंसी के दौरान ये 3 निशान काफ़ी कंफर्म हाथों में बनते हैं। ठीक है, अगर आपके हाथ में भी ये चीज़ें हो रही हैं इस दौरान, तो आप चिंता मत कीजिए, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। आपके जीवन में कह सकते हैं कि एक ऐसा चीज़ जुड़ने वाली है जो आपको लाइफ टाइम उसका साथ मिलेगा। ठीक है, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप इसको आगे शेयर करें, और चैनल को ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए डाउनलोड और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।